हेलो एंड वेलकम टू कॉन स्टडी दिस इज़ शेखर आज का हमारा टॉपिक है एम सी क्यू ऑन ऑफ जे एंड के दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल जेके एस एस बी एग्ज़ाम्स मैंने इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो ये फर्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट्स भी बहुत जल्दी अपलोड होंगे mm -hmm. तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कॉन्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे एंड के स्टेट जे एंड के स्टेट का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था ध्यान रखिएगा चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की नहीं ओके द आंसर इज गुलाम मोहम्मद सादिक। ये जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर की ये इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर द सिक्स अमेंडमेंट टू द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ओके सिक्स जून नाइनटीन सिक्सटी फाइव में जो हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिक्स अमेंडमेंट पास हुआ था जिसमें जो टाइटल था वजीर आजम का जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसको अबॉलिश ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद जो तब प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे गुलाम महमद सदक उन्हीं को चीफ मिनिस्टर लिया गया था ओके सो ऑन सिक्स्थ जून 1965 सिक्सटी फाइव एक अमेंडमेंट पास हुआ था सिक्स अमेंडमेंट हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को और वहाँ पे उस अमेंडमेंट में जो वज़ी अजम होते थे यहाँ पे कश्मीर में जे के स्टेट में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो हुआ करते थे वज़ी अज़म उस टाइटल को एबॉलिश किया गया था और उसके बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और जो तब प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे गुलाम मोहम्मद सादिक उन्हीं को लिया गया था एज़ फर्स्ट चीफ़ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओके आगे चलते हैं द सेकेंड क्वेश्चन इज़ महाराजा गुलाब सिंह डाइड इन महाराजा गुलाब सिंह कब इस दुनिया से चले गए इट वॉज ऑन थर्टी जून सो so, जो महाराजा गुलाब सिंह है वो इस दुनिया से थर्टियथ जून 1857 में चले गए और उसके बाद उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह जो थे वो थ्रोन पे आ गए ओके ही वॉज सक्सीडर बाय हिज सन महाराजा रणबीर सिंह ओके द थर्ड क्वेश्चन इज़ द ट्रीटी ऑफ लाहौर टेक्स प्लेस ऑन ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी या कब हुई थी इट वॉज़ ऑन नाइन्थ मार्च 1846 तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं ये जो साइन हुई थी नाइन्थ मार्च 1846 को आफ्टर द फर्स्ट सिख वॉर तो एक वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिक्स जिसका नाम था बैटल ऑफ सबराव इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे दे वर विक्टोरियस इन दिस बैटल एंड उसके बाद जब वो लाहौर सिटी में पहुँचे वहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई डेट वॉज थ मार्च एटीन फोर्टी सिक्स आफ्टर द बैटल ऑफ सोबराव ओके और फर्स्ट वॉर फाइन आगे चलते हैं द फोर्थ क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज डिसमिस बाई करण सिंह इन जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी वो डिसमिस की गई थी करण सिंह द्वारा कब द आंसर इज नाइनटीन फिफ्टी थ्री तो जो डॉक्टर डौ, करण सिंह थे ये बेटे थे महाराजा हरी सिंह के ये आ, उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे दैट मींस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने 8th अगस्त 1953 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया डिसमिस किया था और चार्ज ये था दैट ही हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इस कैबिनेट ओके हाउस की बात नहीं हो रही है कैबिनेट की बात हो रही है कैबिनेट में ही हैड लॉस द कॉन्फिडेंस Okay. Uh, एक मोशन पास होता है आपने पॉलिटी में शायद पढ़ा होगा मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उनके खिलाफ पास हुआ था वो और फिर उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था बाय डॉक्टर करण सिंह ऑन एट्थ अगस्त 1953 फिफ्टी थ्री ओके आगे चलते हैं ऑन विच फोर्ट महाराजा रंजीत सिंह परफॉर्म्ड सेरेमनी ऑफ तिलक ऑन द फोर ऑफ गुलाब सिंह सो so, किस फोर्ट पे महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह का तिलक सेरेमनी किया था यानी उनको राजा गोश्त किया था राजा डिक्लेयर किया था बाय द तिलक सेरेमनी ओके द आंसर इज अखनूर फोर्ट इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते थे द डेट वाज सेवेंटीनथ जून एटीन ट्वेंटी टू ए ओके तब महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को डिक्लेयर किया था एज राजा ऑफ जम्मू रिजन एट जिया पोटा घाट ओके ये जो घाट है ये बैकड्रॉप में आता है अखनूर फोर्ट के जो चिनाब रिवर ओके ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि किस रिवर के किनारे ओके इट वाज चिनाब रिवर चिनाब रिवर के किनारे अखनूर फोर्ट है और उसके बैकड्रॉप में जिया पोटा एक घाट है ओके जिया पोटा घाट है वहाँ पे उन्होंने ये सेरेमनी की थी तिलक सेरेमनी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह ओके द डेट वॉज सेवेंटी ऑफ जून एटीन ट्वेंटी आगे चलते हैं वाट वॉज द फुल नेम ऑफ लल दैद ये तो हम सबको पता है लल का पूरा नाम क्या था इट वॉज़ लल ईश्वरी ओके okay, लल जो कि पैदा हुई थी थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी टू वो रही नोन एज लाल ईश्वरी शी वॉज अ कश्मीरी मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी कश्मीर शुवाइज़म इन द स्कूल ऑफ़ फिलासफ़ी ओके इनको और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है लल दद लल ईश्वरी लाल आरफ़ा ओके आगे चलते हैं बाई होम जाम्बूलोचन वॉज सक्सीडेड जाम्बूलोचन के बाद थ्रोन पे कौन आया था उनके बेटे थे पुरान करण ओके जाम्बूलोचन वॉज सक्सीडेड बाई हे सन पुरान करण जाम्बूलोचन के बाद थ्रोन पे उनके बेटे पुरान करण आए थे जिन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल भी बाहू नगर से न्यूली फाउंडेड जम्मू तक ओके उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम बाहू नगर टू न्यूली फाउंडेड जम्मू सो एथ क्वेश्चन इज़ जूरिंग विच पीरियड मुगल्स रूल्ड कश्मीर किस पीरियड के लिए मुगल्स ने कश्मीर पे रूल किया आंसर इज़ एटीन सॉरी फिफ्टीन एटी सिक्स टू सेवनटीन फिफ्टी थ्री मुगल्स पावर में रहे मुगल किंग वो हमारी पहली तीन बार आए हैं ओनली थ्री टाइम्स ही विजिटेड कश्मीर उनके जो बेटे जहांगीर है वो थर्टीन टाइम्स आए हैं ओके और जहांगीर ही है जिन्होंने यहाँ पे जो ब्यूटीफुल मुग़ल गार्डनज है शालीमार गार्डन है निशाद गार्डन है ये उन्होंने ही बनाए हैं और उसके बाद उनके बेटे शाही जहाँ वो अक्सर आया करते थे औरंगजेब जो है वो सिर्फ एक बार कश्मीर आया है इन सिक्सटीन ओके सो आगे बढ़ते हैं वेन वॉज इन दिस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी इट वो साइंड ऑन नाइनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कराची में साइन हुई थी वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट थे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहर लाल नेहरू एंड वर्ल्ड बैंक के मेंबर एक थे मिस्टर डब्ल्यू एफ एलिफ जो वर्ल्ड बैंक से थे और ये ट्रीटी कराची में नाइनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी को साइन की गई थी और इफेक्ट effect, मतलब इफेक्टिव ये हुई थी फ्रॉम फर्स्ट लागू हुई थी फ्रॉम फ़र्स्ट अप्रैल बट साइन हुआ था नाइनटीन सेप्टेम्बर को ओके okay, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि साइन कब हुई थी तो आप नाइनटीन सेप्टेम्बर लिखेंगे ओके नाइनटीन सिक्सटी बट अगर आता है कि इफेक्टिव कब से रही सो दैट इज़ फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस सेशन फेमस रूलर ऑफ़ कश्मीर हु कंस्ट्रक्टेड श्राइन ऑन बारियल शेख नूरुद्दीन ने शेख नूरुद्दीन वाली बरियल साइट पे एक श्राइन कंस्ट्रक्ट की थी दैट वॉज जैन इन लेटर इन फोर्टीन फोर्टी सिक्स में जो एर्थ सुल्तान हमारे है दैट इज जैन अलाविद्दीन उन्होंने चार शरीफ की श्राइन जो थी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाई ओके सो थैंक यू एवरी आज के लिए इतना ही पार्ट टू बहुत जल्द अपलोड होगा कुछ भी डिटेल्स के लिए क्वारीज़ के लिए सजेशन के लिए यू कैन विज माय टेलीग्राम चैनल एट द रेट ऑफ़ आस्क अंडरस्कोर अर्शी और क्विज़ के लिए आप हमारी ऑफिशियल चैनल पे आ सकते हैं जहाँ पे क्विजेज होते रहते हैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है So once again, thank you. Bye and good luck.